सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूरो के प्रेडिक्शन। तो गाइस कैसा आप सब, उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले T20 ब्लास्ट 2023 के 67 मैच के बारे में। दोस्तों मैच होने वाला है यॉर्कशायर और वर्चेस्टर शायर के बीच में। दोस्तों अगर मैच की पूरी अपडेट है तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जिससे आपको टॉस मैच सेशन की पूरी जानकारी दी जाएगी, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा नंबर मेंशन किया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 9 जून को इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग रात के 11 बजे यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच के लिए जाएगी हेडिंग्ली लीड्स यूनाइटेड किंगडम में। अब बात करते हैं फ्रेंड दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं। रिसेंटली 5 मैच में दोनों टीमों का परफॉर्मेंस क्या देखने को मिला। पहली टीम यॉर्कशायर की बात करें तो जहां 5 मैच में से 4 मैच जीत के आ रहे थे वहीं 1 मैच हार के आ रही है। वहीं अगर दूसरी टीम वर्चेस्टरशायर की बात करें तो जहां 5 मैच में 3 मैच जीत के आ रही है, 2 मैच हार के आ रही है। अगर टीम फॉर्म के अकॉर्डिंग बात करें तो यहां पे यॉर्कशायर 1 मैच से आगे चल रही है। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 10 मैचेज में, तो जहाँ पर यॉर्कशायर 4 मैच जीत के आ रहे थे वहीं वर्चेस्टरशायर 6 मैच जीत के आ रही है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हेड टू हेड के अकॉर्डिंग वर्चेस्टरशायर 2 मैच से आगे चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ज्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपैरिजन करते हैं। लास्ट 10 मैच में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहली कंपैरिजन विनिंग परसेंटेज की बात की जाए तो जहां पे यॉर्कशायर का 50% देखने को मिल रहा है, तो वर्चेस्टरशायर का भी 50% देखने को मिल रहा है। एवर स्कोर की बात करें तो यॉर्कशायर का 174 है, तो वर्चेस्टरशायर का 170 है। वहीं अगर हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो यॉर्कशायर का 204 है, तो वर्चेस्टरशायर का 226 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो यॉर्कशायर का 151 है, तो वर्चेस्टरशायर का 184 है। तो ये रहे दोनों टीमों का टीम कंपैरिजन। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन की मामले में इक्वली फॉर्म देखने को मिल रहा है। अगर बढ़ते हैं चलते हैं पिच की ओर, आज का मैच इस पिच पे कैसा होने वाला है। तो इस पिच पे अभी तक टोटल 67 मैच खेले गए, जो हर एक मैच काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिली। अगर इस पिच की फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर की बात कर लें तो इस पिच पे फर्स्ट इनिंग में 160-165 रन जा सकते हैं। वहीं अगर सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में थोड़ी सी रन कम सकती है, इस पिच पे 140-145 में भी रेंज में जाएगी। अगर इस पिच के सरफेस की बात करें तो जो भी टीम अगर टॉस जीत के बैटिंग करती है तो उस टीम की मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन सकती है, क्योंकि डिफेंस में काफ़ी अच्छे रन स्कोर बनाए जा सकते हैं इस पिच पे। वहीं अगर अपोजिट टीम अगर चेस करने वाली टीम की बात करें तो वो भी चेस कर सकती है, बट यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस भी करनी पड़ सकती है। तो ज़्यादातर टीम के लिए एक प्लस पॉइंट हो सकती है कि टॉस जीत के बैटिंग चूज करें। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस देखते हैं, तो पहली टीम यॉर्कशायर की बात करें तो नो डाउट काफ़ी अच्छी टीम है, फॉर्म में है। बैटिंग और बॉलिंग दोनों का कम्बिनेशन काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। वहीं अगर दूसरी टीम वर्चेस्टरशायर की बात करें, नो डाउट ये भी टीम काफ़ी अच्छी है। और स्टार्टअप की बात करें तो स्टार्टअप में काफ़ी अच्छे फॉर्म देखने को मिले। वहीं अगर पिछले मैच की बात करें तो पिछला मैच अपना हार के आ रही है, तो ये मैच पूरी कोशिश करेगी जीतने के लिए। तो दोनों के बीच में मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़बरदस्त होगा, तो आप लोग जरूर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सपेक्टेड है कि विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वही बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बाउंस पे। अब चलते हैं फिर दो टीमों के की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम यॉर्कशायर के की प्लेयर की बात करें तो एडम लीथ, डेविड मलन, बेन माइक, डोमिनिक बेस। वहीं दूसरी टीम वर्चेस्टरशायर के की प्लेयर की बात करें तो एडम होज, बेन कॉक्स, जैक हैंस, एडम फिंच, ये दोनों टीमों की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो फाइनली अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए वर्चेस्टरशायर हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोग क्या लगता है अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बने रहे मेरे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।